खूबसूरत सी परफॉर्मेंस, एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहिए। खैर माइक भी हमारे साथ जोरदार तालियां बजाने को बिल्कुल तैयार हो गया है। और वंदना कथक नाटिका के साथ शहर के दो होनहार बच्चों को जो बसंत ताल और भाव नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत लेकर के आ रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति को संजोए
राष्ट्रीय संयोजक से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, आज का जो कार्यक्रम है क्या कुछ इसमें खास है, किस तरह पूरा आयोजन किया गया? ये प्रोग्राम में आयोजक हैं श्री मैडी सिंह जी और उनकी सह आयोजक हैं श्रीमती श्रद्धा सिंघल समाज सेविका। मैडी सिंह के इंस्टीट्यूट में मैं जा चुका हूँ, ये कोरियोग्राफर हैं मजे हुए। तो ये उन्होंने जो नाम दिया है संवेदना, तो संवेदना अपने आप में एक छोटा सा शब्द लग रहा है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा व्यापक मतलब छिपा हुआ है। संवेदना मतलब एक जज्बा, जज्बात और होता है इसमें। एक देखा जाए तो पूरी दुनिया एक जज्बात से ही एक दूसरे से बंधी हुई है और इसमें अगर देखा जाए तो एक नारा दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम का कि हमारी धरती पूरी एक परिवार है। तो हम परिवार को जब तभी मतलब एक कह सकते हैं कि अपने परिवार को न माने, मैं और मेरा हम सब के दायरे से उठ के संपूर्ण विश्व के एक परिवार के रूप में माने, जिसे वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया है। तो जब तक कि हम जज्बाती नहीं होंगे, हमें संवेदना नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, तो हमें वो प्रवृत्तियाँ नहीं जागेंगी, हमें इमोशंस नहीं जागेंगे, तो हम आपस में प्रेम नहीं करेंगे एक दूसरे के। जब प्रेम नहीं करेंगे तो जज्बा नहीं जागेगा आपस में, इसीलिए हम आपस में लड़ रहे हैं कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ किया गया? उसमें कार्यक्रम में इसी संवेदना को लेकर किया गया है कि बच्चों के इमोशंस को उभारा गया है, संवेदनाओं को। उसमें बच्चों के लिए जो प्रोग्राम रखा है कि बच्चे खुश हैं, बच्चे एक गॉड का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, एक उसमें अल्लाह का रूप होते हैं, तो हमको ये समझना है। तो हम इनका संवेदना का यही है कि बच्चों के प्रति इन्होंने संवेदनाएं की है, इनको गॉड समझा है, ये अल्लाह समझा, ईश्वर या जो भी समझा जाए, जो भी अपने आराध्य देव हैं, तो इनके अंदर ये छुपे होते, तो इनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को निकालना, ये बच्चे कल के देश के भविष्य हैं। और जो प्रोग्राम होते हैं, देखिए आपको बच्चों के पैसे वसूल लिए जाते हैं, सब किया था, इनको कोई मंच नहीं दिया था, यहाँ बच्चों को स्पेशल इज्जत मिल रही है, इनको परफॉर्मेंस का मौका दिया रहा है, इनके आत्मविश्वास को उभारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड लोग हैं और जहाँ पे हजारों लोग होते हैं उसमें से पैसा लेके लोगों को बाहर कर दिया जाता है, पता चलता। तो उनके संवेदनाओं पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो हमारे देश के भविष्य हैं ये बच्चे, यही आगे बढ़ के मतलब बड़े बनेंगे, तो अगर इनको अभी से उभार के ये ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं तो ये देश का भविष्य है बच्चे। आज राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में राइजिंग स्टार संस्था द्वारा संवेदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य उद्देश्य था बच्चों के भविष्य के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करना। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।